मान लीजिए कोई एक क्राइम कमिट हो गया और वो जो केस है वो आपके पास आ गया, आपने केस देखा और आपने अक्यूज भी पर्सन का नाम भी देखा और आपको पता है कि वो जो अक्यूज पर्सन है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो हमेशा क्राइम करता है और उसी ने ही ये क्राइम किया है, आपको ये पता है, मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा आपके अंदर एक कोई सस्पिशन आ रहा है कि भाई यही इंसान है जिसने वो क्राइम किया है, अगर इवन इफ अगर आपने उसको रंगे हाथों भी अगर पकड़ लिया, अगर रेड हैंड भी आपने अगर उसको क्राइम करते हुए देख लिया, तो क्या आप उसको उसी टाइम पनिशमेंट दोगे या फिर उसका उसको भी चांस दोगे अपने बारे में, अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने का कोर्ट में? हाय एवरीवन, टुडे आई एम छवि एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज फेयर ट्रायल. सो लेट्स बिगिन. व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ट्रायल? सो फेयर ट्रायल का बेसिकली मतलब होता है इम्पार्शियल ट्रायल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. जैसे जजेस का जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फेयर ट्रायल में. जैसे जजेस क्या होते हैं, जैसे आप गेम देखते हो ना, गेम में जो है रेफरीज होते हैं वो किसी एक टीम के फेवर या अगेंस्ट में नहीं होते, ऐसे ही यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जो जजेस होते हैं कोर्ट्स में वो जो है इम्पार्शियल होने चाहिए. सो ये एक मेन चीज़ है फेयर ट्रायल की. प्लस एक चीज़ और ये भी है कि जैसे आपने देखा होगा अक्यूज्ड, मैंने जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि अगर बाय चांस आपने किसी पर्सन को रंगे हाथों क्राइम करते हुए देख लिया तो क्या आप फिर भी उसको पनिश करोगे? तो द आंसर इज नो. अगर आपने किसी पर्सन को रेड हैंडेड पकड़ा भी है क्राइम करते हुए, फिर भी वो जो अक्यूज्ड है उसको चांस मिला जाए, दिया जाएगा अपने आपको डिफेंड करने का, अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने का, अपने फेवर में एविडेंसेस प्रोड्यूस करने का. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल इज. मतलब कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट चाहे कितना ही थिक सस्पिशन ऑफ गिल्ट या डाउट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को डिफेंड करने की. सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल. अब एक और चीज ये भी है, जैसे क्रिमिनल लॉ में हम बेसिकली एक प्रिंसिपल अपनाते हैं, दैट इज एवरीवन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी. सो यही है यहाँ पर कि जो अक्यूज जो है वो इनोसेंट माना जाता है अनलेस एंड अनटिल वो गिल्टी प्रूव ना हो जाता तो हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन जो होती है उसको उनको केस जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा अक्यूज्ड के अगेन, मतलब अक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव करने के लिए. सो दिस इज व्हाट द फेयर ट्रायल एग्जैक्टली मीन.